हेलो गाइस, आज मैंने जैसे बताया था लास्ट लेक्चर में कि थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। सो थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको डायरेक्टली थ्योरी में ही मिल जाएगा कि ये थ्योरम दिया है तो इसको प्रूव करना, ठीक है। थ्योरम इज इफ एसी कॉन्ग्रेंस बीसी मॉड एन, अभी देखा हमने, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। देन ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन बाई डी, तो डी क्या है, सी और एन का, मतलब ये जो सी है, ये जो C और N का GCD है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ओके। मैं एक थेरोटिकल बताता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि इसको सेटिस्फाई करने वाला एग्जाम्पल है क्या आपके पास, ओके। नाउ सो हियर गिवन क्या है, गिवन दैट AC कॉन्ग्रेंस BC मॉड N, ओके, एंड डी इज इक्वल टू सी एन। ये सी एन जीसीडी है, अगर ओपन ब्रैकेट रहा तो जीसीडी है, क्लोज ब्रैकेट रहा तो एलसीएम है, ओके। सो यहां पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, इसकी डेफिनेशन लगाओ गाइस, ये हो जाएगा AC माइनस BC इज इक्वल टू एन के, इज इक्वल टू एन के फॉर सम के, फॉर सम के, ओके। नाउ अब देखो ये क्या है, डी इज इक्वल टू सी एन, ओके, ये मैं आपको रफ में बता रहा हूं, सी एन। तो अगर कोई जीसीडी है तो हम उसे एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सी इज इक्वल टू डी आर सपोज करो, एंड एन इज इक्वल टू डी एस। अब आप बोलोगे कैसे, देखो अब एक एग्जांपल ले लो, 4 और 16 का जीसीडी क्या आएगा गाइस, 4, ठीक है। 4 और 16 का जीसीडी क्या आएगा, 4। तो यहां पे ये अपना C हो गया, ये अपना N हो गया, ये अपना D हो गया, ओके। क्या मैं C को DR के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मतलब क्या, C इज इक्वल टू 4 इंटू R, ओके, एंड यहां पे क्या है गाइस, N है, N इज इक्वल टू DS, दैट इज 16 इज इक्वल टू 4 इंटू S। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस, वाई, बिकॉज इज ए जीसीडी, ये तो मल्टीपल है, डिवाइजर है, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब आप जो भी दो नंबर का जीसीडी ले रहे हो उनको जीसीडी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप अगर ए बी का जीसीडी के आ रहा है तो आप ए को के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक KY, एंड बी को KX, ठीक है, इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ओके। ये हमें लगने वाला है, सो को रब करना पड़ेगा पार्ट। सो अब देखो, यहां तक ठीक है। सो सपोज सी इज इक्वल टू डी आर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और एन इज इक्वल टू डी एस, विथ आर और एस मैंने को प्राइम ले ली, ठीक है, उसका जीसीडी 1 ले लिया, सो आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू एन के, ठीक है। सो यहां से सी कॉमन आ जाएगा, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू एन के, ओके। सी की वैल्यू क्या है गाइस, डी आर ए माइनस बी, एन की वैल्यू क्या है, डी एस, लाइक दिस, ठीक है, डी डी गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला, आर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एस के, ओके, आर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एस के, ठीक है। सो के तो हमारा कोई भी एक इंटीजर ही था, ठीक है, सबसे पहले, मतलब के एक मल्टीपल है। सो गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस डिवाइड्स आर इंटू ए माइनस बी, वाई नॉट, यस यू कैन, ठीक है, एस डिवाइड्स आर इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि के को हमने मल्टीपल ही घोषित किया है पहले से एन के यहां से, ठीक है। सो के को नहीं कर सकते, ठीक है, के को भी लिख सकते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं है, ओके। सो यहां पे देखो ये आर क्या है गाइस, देखो आर एस, आर और एस का अगर ये क्या बोलते हैं उसको जीसीडी 1 आ रहा है तो आर और एस को प्राइम होते हैं, लाइक 3 4, हाँ 3 4, 4 5 आर को प्राइम, ठीक है, 5 6 आर को प्राइम, 6 7 आर को प्राइम, मतलब उनमें एक कंपोजिट होता है, एक प्राइम होता है। सो सपोज करो ये आर जो था वो प्राइम है, ठीक है, आर जो था या एस जो था वो प्राइम है, दोनों में से एक है, ठीक है, एस और आर प्राइम है।
तो अगर सपोज करो एस को हमने प्राइम पकड़ लिया, एस इज अ प्राइम, तो यूक्लिड लेमा क्या कहता है, पी इज अ प्राइम, यूक्लिड लेमा क्या कहता है, पी इज अ प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए बी, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, ये यूक्लिड लेमा कहता है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके। सो हमारे पास कंडीशन क्या है, एस डिवाइड्स आर इंटू ए माइनस बी, एस डिवाइड्स आर इंटू ए माइनस बी, एस इज अ प्राइम एंड एस डिवाइड्स दिस, सो एस डिवाइड्स आर और एस डिवाइड्स ए माइनस बी, एस डिवाइड्स आर और एस डिवाइड्स ए माइनस बी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एस और आर ये पॉसिबल होता तो क्या वो को प्राइम होते, नहीं, क्योंकि देखो अगर 4 एंड 5 आर को प्राइम देन 5 डिवाइड्स 4 ये पॉसिबल है, या 4 डिवाइड्स 5 ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अगर 6 एंड 7 आर को प्राइम तो 6 डिवाइडेड बाय 7 और 7 डिवाइडेड बाय 6 ये दोनों में से कोई कंडीशन पॉसिबल है, नहीं। सो देयरफॉर ये वाली ट्रू नहीं आएगी। सो हम क्या लेंगे, ये इंप्लाइज एस डिवाइड्स ए माइनस बी, ओके। तो हमें क्या मिलेगा कॉन्ग्रेंस के डेफिनेशन से, ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एस, ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एस, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस अकॉर्डिंग टू दिस, एस इज इक्वल टू एन बाय डी, हेंस बी इज इक्वल टू मॉड एन बाय डी, ध्यान में रखो, ठीक है गाइस। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल मिला जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस मुझे ए बी सी और एन डी की वैल्यू बता दो, काम खत्म, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट थ्योरम, ओके, थैंक यू।